हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द 19th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स, या फिर आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू सर्किट्स, राइट. तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वो हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग से. ओके, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में ये बताता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग करता क्या है, राइट. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का काम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. देखो, पहली बात तो ये समझ लो, ये पैरामीटर आएगा कब, कब इसको यूज करना है, जब आपके पास दो कॉइल्स है, कॉइल वन और कॉइल टू. कॉइल वन से करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कॉइल टू से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जस्ट हमने इसको एक्सटर्नल एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके रखा है, जस्ट कि चेक करने के लिए कि अगर कॉइल टू में करंट आता है तो वो गैल्वेनोमीटर उस करंट को डिटेक्ट करेगा. ओके, तो दो कॉइल्स है हमारे पास, कॉइल वन जिसमें हमने जिसको हमने एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है, कॉइल टू में कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं है, राइट. सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है जो डिटेक्ट करेगा करंट को. ओके, जैसे ही कॉइल वन से करंट फ्लो होता है, कॉइल वन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कॉइल वन के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल टू के जो नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल टू से लिंक हो जाता है, राइट. लिंक हो जाएगा कॉइल टू से. अब ऐसा तो नहीं है कि जितना भी कॉइल वन ने मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिंक हो, कुछ पोर्शन लिंक होगा, राइट. कुछ पोर्शन कॉइल वन का मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉइल टू से लिंक हो सकता है. तो कितना पोर्शन मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक हुआ है ये हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ओके, तो सबसे मेन पॉइंट जो है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का यही है कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मेजर्स क्या करता है, ये मेजर करता है, क्या मेजर करेगा, इट मेजर्स द पोर्शन ऑफ फ्लक्स. क्या मेजर करेगा, ये मेजर करता है द पोर्शन ऑफ फ्लक्स, राइट. अच्छा, ये कौन सा पोर्शन ऑफ फ्लक्स, ये वो पोर्शन ऑफ फ्लक्स है जो कॉइल टू से लिंक हुआ है, राइट. और कॉइल टू है कहाँ पे, कॉइल टू कॉइल वन के आजू बाजू है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कॉइल टू जो है वो कॉइल वन के विसिनिटी में वहां पे कहीं तो है. ओके, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में जो बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ भी है आपके फर्स्ट पॉइंट में, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है. पॉइंट ऐसा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग करता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मेजर करता है, क्या मेजर करता है, पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अच्छा, कौन सा पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल टू से लिंक हुआ है, और वो कॉइल टू कहाँ है, वो कॉइल टू कॉइल वन के विसिनिटी में है. तो पॉइंट ऐसा बनेगा कि जो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मेजर्स द पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल टू, राइट, विच इज इन द विसिनिटी ऑफ कॉइल वन, जो कॉइल वन के आजू बाजू कहीं तो होगा, राइट. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही होगा कॉइल वन के. ओके, तो आप देख सकते हो जो पॉइंट वन है वही मैंने आपको बोलकर दिखाया, पॉइंट वन है क्या, राइट. तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का काम क्या है. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू में. अच्छा, अगर इन केस समझो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू ज्यादा होता है, इफ इन केस द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज हायर या फिर ग्रेटर, ज्यादा है, लार्जर है, तो जब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू ज्यादा होगा तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ये भी ज्यादा होता है, राइट. यही सेकेंड पॉइंट आपका, बहुत ईजी पॉइंट है. अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू ज्यादा है तो उस टाइम पे अगर आप चेक करोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस तो वो भी आपको ज्यादा ही मिलेगा, राइट. तो पॉइंट आप देख सकते हो, द ग्रेटर द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, द ग्रेटर द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, आप देख सकते हो जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, द ग्रेटर द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग द ग्रेटर इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट. जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है. बहुत इजी इजी पॉइंट्स मैंने आपको बताया. फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का काम क्या है, बहुत इजी काम है, ये मेजर करता है पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल टू विच इज इन द विसिनिटी ऑफ कॉइल वन, राइट. सेकेंड पॉइंट हमने देखा, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग द ग्रेटर इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट. बहुत इजी. अच्छा, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री में. पॉइंट नंबर थ्री से यहाँ से हमारा थोड़ा मैथमेटिकल कंटेंट चालू होता है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देकर रखना पड़ेगा क्योंकि थियरी वाला कंटेंट तो हम बहुत ईजिली याद कर सकते हैं, राइट, और बहुत ईजी होता है. आगे वाला कंसेप्ट थोड़ा मैथमेटिकल है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. पॉइंट ये है कि थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा कि अगर मैं कोई सर्किट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालता हूँ, अगर मैं कोई सर्किट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूँ तो उस सर्किट का म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है उस सर्किट के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है या फिर जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, राइट. फिर से रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ वही आपका थर्ड पॉइंट है. पॉइंट सुनो ध्यान से, कोई भी सर्किट का अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूँ तो वो सर्किट का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है
वो डिपेंड करता है उस सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है, राइट, या फिर आप बोल सकते हो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। तो आप देख सकते हो जो मैंने बोला वही यहां पे लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड वोल्टेज, राइट, इंड्यूस्ड वोल्टेज इट कैन डेवलप, वो कितना इंड्यूस वोल्टेज डेवलप कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। बहुत ईजी पॉइंट है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम, ध्यान से सुनना, कोई भी सर्किट का म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है कि उस सर्किट में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, राइट, बराबर है, सिंपल पॉइंट, ओके। चलो फिर थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पे कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एनी सर्किट, कैपिटल एम मैंने लिखा, कैपिटल एम मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एनी सर्किट डिपेंड्स मीन्स प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड, राइट। अच्छा, मैंने जैसे मैंने बताया था कॉइल वन को हमने कोई सप्लाई से कनेक्ट किया है और कॉइल टू में कॉइल वन का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। जब कॉइल टू में कॉइल वन का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो उस टाइम पे कॉइल टू में ईएमएफ आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ई टू। लेकिन किस वजह से ईएमएफ आ रहा है, क्योंकि कॉइल वन का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक हो रहा है, राइट, करेक्ट है कि ईएमएफ सेकंड कॉइल में ही आ रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल, बट किस वजह से इंड्यूस हो रहा है, ये कॉइल वन का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू वन। टू वन का मतलब बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले बता दूं ये एम क्या है, दिस एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट, ओके, दिस ई टू वन इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल, राइट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, आप ऐसा बोल सकते हो, राइट, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल बोलोगे तो भी चलेगा। एक बात यहां बता दूं, ये जो ई टू वन है, ये दिख रहा है आपको ई टू वन, ई टू वन मीन्स ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल बोलो या फिर आप बोलो ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल, बहुत सारा कंसेप्ट बोलने के लिए। अच्छा, इतना तो ठीक है। ये जो ई टू वन है, ये ई टू वन अगर आप इसको याद करोगे तो ये प्रोपोर्शनल या फिर ये इक्वल टू होता है के फाइव वन से, राइट, अब प्रपोर्शन बोलेंगे ज्यादा बेटर होगा। ये जो ई टू वन है इसका एक वैल्यू होता है के फाइव वन, क्या वैल्यू होता है के फाइव वन, ये आप समझ सकते हो जब आप म्यूचुअल इंडक्टर्स का हमारा लेक्चर देखा होगा तो आपने, ओके। तो ये तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल है, इसका एक वैल्यू होता है के फाइव वन, राइट, आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम, बट ऐसा बोल सकते हैं कि ये चीज को प्रपोर्शनल है, राइट। अच्छा, ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर थ्री यहाँ पे कंप्लीट, बहुत ईजी सा पॉइंट था, मैं एक बार रिकैप करा दूं। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये देखा कि करता क्या काम है, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का काम क्या है। पॉइंट नंबर टू में हमने ये देखा कि अगर ज्यादा वैल्यू होगा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का तो क्या होगा, राइट, फिर हमको मालूम पड़ा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है सर्किट का वो डिपेंड करता है कि उस सर्किट में, उस कॉइल में कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है, राइट, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है और हमने उसका एक वैल्यू भी बाजू में यहाँ पे रखा है, आप प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो के फाइव वन को, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, एक और चीज पे, जो आप E21 देख रहे हो, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है EMF induced in second coil with respect to first coil, second coil में जो EMF induced हुआ है, but obviously बात है, second coil में जो EMF induced हुआ है वो डिपेंड करेगा उस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न से, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल टू में होगा उतना ज्यादा फ्लक्स वहां पे लिंक होगा, उतना ज्यादा EMF आएगा। बोलने का मतलब ये हुआ, ये जो EMF induced in second coil with respect to first coil है ना, ये डिपेंड करेगा कि second coil में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न सेकंड कॉइल में होंगे उतना ज्यादा EMF होगा उस कॉइल में, उतना ज्यादा EMF induced होगा, I mean, right? तो पॉइंट यहां पे ये मालूम पड़ता है, this induced EMF is also directly proportional to the number of turns of the coil, means जो EMF induced हुआ है वो डिपेंड करता है कि उस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है उतना ज्यादा EMF आएगा induced EMF, जितने कम नंबर ऑफ टर्न्स है उतना कम induced EMF आएगा, ओके? तो यहां से हमको ये मालूम पड़ता है, ये जो हम यहां पे देख रहे हैं E21, राइट, चलो एक एक इक्वेशन लेकर चलते हैं साथ में, ये आप चाहिए तो इसको कंसिडर कर लो दिस एज इक्वेशन नंबर वन, मैं इसको इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। आगे पॉइंट ऐसा है यहाँ पे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, आप बोल सकते हो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल, बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पे, मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अच्छा,
लेकिन कौन से कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, पहले ये समझ लो ईएमएफ कहां इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ सेकंड कॉइल में इंड्यूस हो रहा है तो सेकंड कॉइल के ही नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे हम, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा N2, राइट। दिस N2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड कॉइल को हम N2 से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाजू में देख भी सकते हो यहां पे लिखा हुआ है, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड कॉइल, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो अभी तक मैंने फोर पॉइंट्स क्लियर कराए हैं, रिपीट भी करा देता हूं एक बार। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये देखा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का काम क्या है, ये मेजर करता है पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल 2 व्हिच इज इन द विसिनिटी ऑफ कॉइल 1। ओके, सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा कि अगर ज्यादा वैल्यू होगा तो क्या होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ग्रेटर इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कोई सर्किट का है ये डिपेंड करता है कि उस सर्किट में कितना ईएमएफ या फिर कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज, राइट, इट डेवलप्स, राइट, ऐसा बोल सकते हैं विच इट डेवलप्स। तो ये हमने पॉइंट नंबर थ्री में देखा, जहां पे हमने देखा कि M जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E21 से, वेर E21 इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। विथ रेस्पेक्ट टू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट कॉइल से फ्लक्स बना है, वो लिंक हुआ है कॉइल 2 से, इसलिए कॉइल 2 में ईएमएफ आ रहा है, राइट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में हमने ये देखा, फोर्थ पॉइंट में ये देखा कि जो सेकंड कॉइल का जो ईएमएफ है, जो सेकेंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने। दैट मींस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी कॉइल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कॉइल। मींस यहां पे हमने देखा E21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, वेयर N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंड कॉइल। ओके, यहां तक एकदम एग्जैक्ट क्लियर है। ओके, हमको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर फाइव में आते हैं। पॉइंट नंबर फाइव में एक चीज बता दूं मैं आपको, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखो एक कॉइल आप एज्यूम करो, राइट, एक कॉइल हम एज्यूम करते हैं, उस कॉइल को हमने नीचे एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। अच्छा, वो बैटरी जितना करंट देगा उसके हिसाब से फ्लक्स बनेगा, ये बात ठीक है, लेकिन अगर कॉइल्स का अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाता है, और अगर वही मैं कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, राइट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो वही मैंने पॉइंट नंबर फाइव में लिखा है, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी कॉइल, कोई भी कॉइल अगर फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कॉइल, राइट। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन एनी कॉइल इज प्रोपोर्शनल, या फिर आप बोल सकते हो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कॉइल, राइट। यहां पे जैसा लिखा हुआ है, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ टर्न्स, जो मैं बोला हूं वही लिखा हुआ है, कोई अलग चीज नहीं है। तो यहां से हमको ये पॉइंट समझ में आता है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर फ्लक्स डिपेंड करता है, राइट, उस पर फ्लक्स डिपेंड करता है। ओके, तो अभी तक हमने यहां पे देखा कि जो E21 था, याद, एक चलो एक थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स यहां पे, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो E21 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 है, और मैंने ऑलरेडी बताया था E21 K51 को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं E21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K51 और E21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो जो मुझे मिलेगा दैट विल बी E21 डायरेक्टली जो एज इट इज था, और यहां का K51, क्योंकि K51 पे भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर टू, इसको हम इक्वेशन नंबर टू कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ तक तो हो चुका था, आगे मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, कोई भी कॉइल जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, दैट फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दैट कॉइल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कॉइल, राइट, उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे फ्लक्स डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू मुझे नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में लिखना है, या फिर फ्लक्स को प्रोपोर्शनल बताना है नंबर ऑफ टर्न्स। चेक कर लो कौन सा फ्लक्स आपको चाहिए, इक्वेशंस मैथमेटिकल इक्वेशन पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, यहाँ पर एक फ्लक्स फाइव वन है, तो मैं फाइव वन का वैल्यू निकालूंगा, राइट। दैट मीन्स फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल वन, दैट मीन्स फाइव वन, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल वन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ टर्न, खुद के नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स फर्स्ट कॉइल का है, तो जो फर्स्ट कॉइल जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसी के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, मींस फर्स्ट कॉइल के ही नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे N1 लिखना पड़ेगा, राइट। N1 क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत सिंपल है, जैसे N2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड कॉइल, वैसे ही N1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल, दैट्स इट, सिंपल, राइट। तो यहां पे मैंने 51 का आंसर निकाल लिया। अच्छा, अगर ये जो 51 का आंसर निकाल लिया, ये आंसर यूज करके मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को अपडेट कर सकता हूं, चलो करते हैं। बाजू में थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज करके मैं फिर से इसको आपको लिख के दिखाता हूं, ये रॉन्ग चीज नहीं है, ये फिर से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने ये बताया फ्लक्स produced by first coil is directly proportional to number of turns of the first coil, right? इतना मैंने अभी जस्ट आपको बताया।
तो इसका मतलब ये है कि मैं phi 1 के जगह पे n 1 लिख सकता हूँ, राइट। चलो ऊपर वाले इक्वेशन में हम phi 1 के जगह पे n 1 लिख कर देखते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो विल गेट वैल्यू ऑफ e 21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो n 2 पहले से है, मुझे phi 1 के जगह पे n 1 लिखना है, मीन्स phi 1 के जगह पे ऑलरेडी n 1 आ चुका है, राइट। n 2 भी है मेरे पास पहले से, और मेरे पास ऑलरेडी पहले से कैपिटल K भी है, राइट। जो आप K मीन्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और क्या, राइट। सो ये जो हमने बनाया है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर सकते हो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं अब आगे, ओके। तो सॉरी 2 नहीं, हमने तो 2 बना लिया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। सो अभी तक जो हमने फाइंड किया है, दिस इज द अपडेटेड इक्वेशन, राइट। इक्वेशन जो 2 था हमारे लिए, उस इक्वेशन 2 को मैंने अपडेट कर दिया है और ये बन गया है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 है जिसमें मेरे पास, हमारे पास E21 का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, E21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 N2 इनटू K। आप उल्टा भी लिख सकते हो, K N1 N2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अभी तक हमने 5 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, ओके, बहुत ईजी था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे केस आता है सेल्फ इंडक्टेंस का, राइट। अब मैं यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का एक मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करूंगा जिसको मैंने ऊपर इंडक्टेंस लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, समझ में आता है, राइट, ओके। अगर हम इंडक्टेंस देखें, राइट, जो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे लिखी है अब मैं वो बोल रहा हूँ। अच्छा, जो इंडक्टेंस होता है, कोई भी सर्किट का जो इंडक्टेंस होता है, वो इंडक्टेंस उस सर्किट के नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये इंडक्टेंस को मैं बता दूं, ये इंडक्टेंस और कोई नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ओके। सो दिस सेल्फ इंडक्टेंस मीन्स L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। जो थियरी में लिखा है उसको मैंने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहां से मैं n का वैल्यू निकाल सकता हूँ, मीन्स प्रोपोर्शनलिटी में ही निकालेंगे हम। देयरफॉर द n विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L। कैसे निकाला मैंने, ये इक्वेशन को मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है, राइट। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L है, ओके। अब इस ये n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l से हम एक कंसेप्ट निकाल सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l से मैं ये n1 और ये n2 का प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकता हूँ, राइट। n1 और n2 निकाल सकते हैं, कैसे, देखो, दिस n1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो n1, जैसे n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l है, N1 will be directly proportional to under root of L1, और वैसे ही अगर मैं N2 निकालू, N2 will be directly proportional to under root of L2, क्लियर किया क्या मैंने बहुत सिंपल सा काम किया, मैंने N1 और N2 का आंसर निकाल लिया, राइट। N1 और N2 प्रोपोर्शनलिटी में निकाला है, क्या कोई प्रॉब्लम, नहीं चलता है। चलो अब इक्वेशन 3 को अपडेट कर दी, जैसे मैंने इक्वेशन 1 बनाया था, 2 सेकेंड, ये फोर्थ पॉइंट मैंने इसको अपडेट किया। अब जैसे जैसे आगे के बढ़ेंगे पीछे वाले इक्वेशन अपडेट होते होते जाएगा, ओके। चलो N1 और N2 का आंसर हमारे पास अब अवेलेबल है, सो वी कैन राइट दिस E21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, E21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको दिख रहा है, N1 N2 नहीं लिखा जाएगा। N1 का जो आंसर है, वैल्यू ऑफ N1 इज अंडर रूट ऑफ L1, राइट, और वैल्यू ऑफ N2 आप देख सकते हो अंडर रूट ऑफ L2 है, और ये K को मैं एज इट इज रख देता हूँ, राइट। कोई अब प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा इक्वेशन बना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, राइट। हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ बना कर रखा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4 है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो 6 कंसेप्ट तक मैंने अभी तक आपको क्लियर बता दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो एक कंसेप्ट है, आप E21 लिखो तो चल जाएगा, इस E21 के जगह पे मैं फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल M भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, मैं डायरेक्ट वहां पे लिखने वाला हूँ, राइट। देखो E21 तो ठीक है, राइट, E21 ठीक है, बट E21 और कोई नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो ऐसा किया जा सकता है, मैं इस E21 के जगह पे क्या लिख सकता हूं, कैपिटल M। देखो डायरेक्ट मैं यहां पे लिख सकता था, लेकिन मैंने पहले आपको, अगर मैं डायरेक्ट यहां पे M लिख दूं तो कंफ्यूज हो जाओगे आपकी, ये M आया कहां से, राइट। तो इसलिए मैंने पहले यहां पे E21 लिखा, E21 कहां से देखकर लिखा, ये क्या इक्वेशन नंबर 3 में था हमारे पास, ये E21 देखकर यहां पे लिख दिया, और इक्वेशन नंबर 1 यूज करके मैंने ये बता दिया, दिस E21 जो है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, तो हम उसको E21 के जगह पे एम लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। बहुत सारा
देखो तीन तीन पैरामीटर आ चुका है यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन हमने बनाया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, राइट। तो ये इक्वेशन को हम हाईलाइट करके रख लेते हैं, इसका बहुत आगे इसका पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट में यही इक्वेशन का यूज होने वाला है, राइट। तो ये जो इक्वेशन बना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए, ओके। तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे मैथमेटिक्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, ओके चलो। अच्छा अब यहाँ पे और थोड़ा थियोरेटिकल कंटेंट आएगा, ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि थियोरी बहुत इजी होता है, ओके। ये के देख रहे हो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है के, या के मींस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं ये के क्या, मैं एक एक पैरामीटर पहले रिपीट कर दूं, दिस के इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सर्किट्स, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन, एंड दिस एल टू इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल टू, राइट। आगे बढ़ते हैं, ओके। अगर समझो के का वैल्यू वन हो जाता है, मीन्स ये दिख रहा है आप के, के मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के का वैल्यू वन हो जाता है तो, बट एक्चुअल में देखा जाए यूजुअली जो होता है के का वैल्यू लेस देन वन होता है, राइट। के का वैल्यू जो होता है लेस देन वन, यूजुअली द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन वन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ यूजुअली द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन वन। के का जो वैल्यू होता है वो हमेशा देखा जाए प्रैक्टिकली वन से कम होता है, राइट। बट इन केस समझो, इन केस कभी के का वैल्यू वन हो जाता है तो क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू वन, तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो जो दोनों कॉइल्स है, राइट, वो दोनों कॉइल्स परफेक्टली कपल्ड है। कैसे कपल्ड है, परफेक्टली कपल्ड, राइट। इफ द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू वन द कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड, कॉइल जो है वो परफेक्टली कपल्ड है, राइट। ये तो तब है जब के का वैल्यू वन हुआ। अगर इन केस के का वैल्यू 0.5 से ज्यादा, इफ द वैल्यू ऑफ के, अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे के का वैल्यू अगर हम 0.5 से ज्यादा लें तो क्या होगा, राइट। इफ द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 0.5, अगर मैं के का वैल्यू 0.5 से ज्यादा ले लूं तो इस केस में क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर के का वैल्यू 0.5 मीन्स ऑलमोस्ट आधा हो गया ना, आधा से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे कि जो कॉइल्स है वो हाईली कपल्ड है। कैसे है, हाईली कपल्ड, परफेक्टली कपल्ड अलग चीज है, हाईली कपल्ड अलग चीज है, परफेक्टली कपल्ड मीन्स एकदम बेस्ट, इससे थोड़ा कम हाईली कपल्ड होता है, राइट। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 0.5, अगर k का वैल्यू 0.5 से कम है तो क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 0.5, तो इस केस में क्या होता है, हम ऐसा बोलेंगे दैट टू कॉइल्स आर लूजली कपल्ड, राइट। आप देख सकते हो दिस टू कॉइल्स आर लूजली कपल्ड, क्लियर। अच्छा एक और मैथमेटिक्स यहाँ पे आता है, ये मैथमेटिक्स मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है जो मैं अभी यहाँ पे फोर्थ में आपको कराने जा रहा हूँ। अगर इनके समझो, इफ द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू यूनिटी मीन्स 1, एंड इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, मीन्स L1 और L2 का वैल्यू एक ही वैल्यू है, L वैल्यू है, तो इस केस में क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, ये वैल्यू हमारा मेन इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, देखते हैं क्या आता है। वैसे आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे देखा जाए तो इसके जगह पे आप यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल टू लिखोगे तो भी चल जाएगा, राइट, एकदम, क्योंकि अभी हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चल जाता है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल चलता है। अच्छा तो कर क्या रहा हूं मैं के का वैल्यू यहाँ वन पुट करूंगा, एंड आई विल टेक द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 एज L, L1 और L2 का वैल्यू मैं L लेकर देखता हूँ क्या होता है, राइट। सो दिस M विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 का वैल्यू L है, L2 का वैल्यू भी L है, इंटू के का वैल्यू जो है वो हमने तो 1 एज्यूम किया हुआ है, राइट। दिस L इंटू L इज L स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर को हम L लिख सकते हैं, दैट मीन्स कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल L। देखो ये क्या हो चुका है, यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस एक ही हो गया यहाँ पे, राइट। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू 1 अज्यूम किया है और दोनों कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस हमने एक ही लिया। इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब ये है, देन द कॉइल्स विद द सेल्फ इंडक्टेंस, जो कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, देन द कॉइल, अगर ये ऐसा, अगर ऐसा केस होता है, इफ के का वैल्यू हमने 1 अज्यूम किया और L1 L2 का वैल्यू हमने L अज्यूम किया, तो ये टाइम पे क्या होगा, जो कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है वो खुद से ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कर लेगा, ऐसा है। देखो देन द कॉइल विद द सेल्फ इंडक्टेंस इज कपल टू इटसेल्फ, वो खुद से ही कपल्ड है, कपल टू इटसेल्फ विद म्यूचुअल इंडक्टेंस, मीन्स इफ द कॉइल विद द सेल्फ इंडक्टेंस L, राइट, ये देख रहे, देन द कॉइल विद द सेल्फ इंडक्टेंस L इज कपल टू इटसेल्फ विद द म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट, वो अपने खुद से ही कपल्ड हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस से, क्लियर। तो ये मैंने कुछ केसेस बनाए हैं जो बहुत इजी है, हमने चार केस बनाए सिंपल सिंपल, k का वैल्यू 1 एज्यूम किया है, k का वैल्यू 0.5 से ज्यादा एज्यूम किया है, k का वैल्यू 0.5 से कम एज्यूम किया है, एंड एट लास्ट वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ k as 1 एंड L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, और वहां पे हमने ये देखा
दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस गेट्स इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हमने यहाँ पे देखा, थोड़ा मैथमेटिक्स था इसलिए। ओके, आते हैं पॉइंट नंबर 8 में। अगर देखा जाए ये जो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखा है, जरूरी नहीं है, डिजायरेबल नहीं है कि हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा ही हो, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा ही हो। इट मे नॉट बी ऑलवेज डिजायरेबल टू हैव लार्जर वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो लिखा है वही तो मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है कि एम का जो वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा ही हो, राइट। इट इज नॉट, इट मे नॉट बी ऑलवेज डिजायरेबल टू हैव लार्जर वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा ही चाहिए, बट कुछ केसेस में हमको इसका वैल्यू ज्यादा चाहिए और कुछ केसेस में हमको इस चीज का वैल्यू कम चाहिए, राइट। तो ये हमको यहाँ पर देखना है। अच्छा, तो कौन से ऐसे केस है जहाँ पे हमको L का, ये जो M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका वैल्यू ज्यादा चाहिए, और कौन सा केस है जिसमें हमको M का वैल्यू कम चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक केस है ट्रांसफॉर्मर का, राइट। ट्रांसफॉर्मर जो है, ये जो डिवाइस है, ये कॉइल से लिंक होना चाहिए, इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा रखते हैं, वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हम घर पे जो होम अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक क्लोथ ड्रायर, राइट, ये जो इलेक्ट्रिक क्लोथ ड्रायर है, यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक नहीं होना चाहिए, इसलिए इस केस में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कम रखते हैं। पॉइंट क्लियर है? अभी मैंने क्या बताया, इट मे नॉट बी ऑलवेज डिजायरेबल टू हैव अ लार्जर वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ज्यादा वैल्यू चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का, बट मैंने एक केस बताया जहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा चाहिए, और एक केस ऐसा भी बताया जहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कम चाहिए। ज्यादा वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस का होना चाहिए ट्रांसफार्मर वाले केस में, और कम वैल्यू होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का इलेक्ट्रिक क्लोथ ड्रायर, मींस होम अप्लायंसेस में कम होना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं, लार्जर वैल्यू ऑफ एम, मींस एम मींस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। लार्जर वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिजायरेबल इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, राइट। ट्रांसफॉर्मर वाले केस में आपको ज्यादा वैल्यू चाहिए, बट हायर वैल्यू ऑफ एम इज नॉट डिजायरेबल। जरूरी नहीं है आपको हायर वैल्यू लेना है, कौन से केस में, होम अप्लायंसेस वाले केस में। होम अप्लायंसेस का मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक क्लोथ ड्रायर, राइट। इलेक्ट्रिक क्लोथ ड्रायर में हमको वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक क्लोथ ड्रायर ही नहीं, कोई भी आप होम अप्लायंसेस यूज कर लो, वहां पे आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो शॉक लगने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। ओके, आते हैं पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 9 में हमने ये देखा कि थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो कभी भी परफेक्टली कपल्ड कोई भी कॉइल नहीं हो सकता है। परफेक्ट कपलिंग कभी पॉसिबल नहीं है थियोरेटिकली, राइट। देखो, थियोरेटिकली द कपलिंग बिटवीन द कॉइल, टू कॉइल्स आर नेवर परफेक्ट, कभी भी परफेक्ट हमको नहीं मिल सकता है। लेकिन साइंस पढ़ रहे हैं हम, राइट, साइंस में है कुछ, हम देखो परफेक्टली कपल नहीं बना सकते हैं, बट परफेक्टली कपलिंग को हम अटेन कर सकते हैं, मीन्स वहां तक जा सकते हैं, उनके उसके नजदीक तक तो जा ही सकते हैं, राइट। पॉइंट ऐसा है, थियोरेटिकली द परफेक्टली कपल्ड कॉइल्स नॉट पॉसिबल। तो कैसे हम करें, ये परफेक्टली कपल कैसे अटेन करें, बहुत ईजी है। एक आयरन कोर ले लो, एक आयरन कोर आप एज्यूम करो, एक आयरन कोर, और एक आयरन कोर पे दोनों कॉइल्स एक ही आयरन कोर पे वाउंड कर लो। फर्स्ट कॉइल इस पे वाउंड होगा, यही आयरन कोर पे फर्स्ट कॉइल आएगा, और नीचे आप सेकेंड कॉइल को वाउंड कर लो। दोनों कॉइल अगर एक ही आयरन कोर पे वाउंड है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं परफेक्टली कपल्ड है, इसका गारंटी नहीं है, बट हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हमने परफेक्टली कपलिंग जो है वो अटेन कर लिया है। दैट मीन्स हमने K का वैल्यू 1 अटेन कर लिया है। ये कब होगा, मैंने आपको बताया, जब एक ही आयरन कोर पे दोनों कॉइल्स होंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसका वैल्यू 1 है, और हमने परफेक्टली कपल कंसिडर किया, राइट, कंसिडर किया, अटेन कर लिया है। ओके, तो पॉइंट ऐसा है, थियोरेटिकली द कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स आर नेवर परफेक्ट, कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। बट आगे देखो, इफ द कॉइल्स आर वाउंड ऑन अ सेम आयरन फ्रेम, सेम आयरन कोर पे अगर आप दोनों कॉइल को वाउंड करते हो, तो क्या होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के कैन बी कंसीडर्ड एज, देखो मैंने यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि 1 है, कंसीडर किया जा सकता है कि 1 है, राइट। तो ये हमने पॉइंट नंबर 9 यहां पे कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको पॉइंट नंबर 9 प्रॉपरली याद होगा, क्या किया हमने पॉइंट नंबर 9 में, बहुत इजी चीज है, हमने बताया कि थियोरेटिकली देखा जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो यूनिटी अटेन नहीं किया जा सकता है, इतना इजी नहीं है, राइट। बट अगर हम एक ही आयरन कोर पे दोनों कॉइल्स को वाउंड करके रख दें, तो उस टाइम पे हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 है और हम परफेक्टली कपल्ड है, मींस कॉइल जो है वो परफेक्टली कपल्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर समझो
अभी तो हमने एक केस देखा जिसमें हमने एक ही आयरन कोर पे दोनों कॉइल को वाउंड कर दिया था। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एक ही आयरन कोर पे दोनों कॉइल को वाउंड करें। चलो एक काम करते हैं, दो अलग अलग आयरन कोर पे दो अलग अलग कॉइल को वाउंड करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पहली बात तो इस केस में आप कभी भी के का वैल्यू 1 अटेन नहीं कर पाओगे, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अच्छा तो 1 नहीं अटेन कर पाएंगे, बट ये तो है कि 1 से कम हो सकता है। हाँ 1 से कम हो सकता है, 1 से कम में मींस 0 टू 0.9 तक आप जा सकते हो, 0.9 मैक्सिमम हो सकता है और 0.1 मिनिमम हो सकता है। तो 1 से कम है ठीक है, 1 नहीं है ठीक है, बात ठीक है कि 1 नहीं होगा, लेकिन 1 से कम में मैक्सिमम और मिनिमम तो आ ही सकता है। अच्छा तो पॉइंट मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर दो कॉइल दो अलग अलग आयरन फ्रेम पे हमने रखा है, दो अलग अलग आयरन कोर पे हमने वाउंड करके रखा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ जो कपलिंग है वो डिपेंड करता है कि उन कॉइल के बीच में डिस्टेंस कितना है और उन कॉइल का जो है वो एक्सिस कहाँ है, राइट, एक्सिस का ओरिएंटेशन कैसा है, एक्सिस के बीच में एंगल कितना है। फिर से बता दूं एक बार, ध्यान से सुनना, अगर हमने दो अलग अलग आयरन कोर लिए हैं और दो अलग अलग आयरन कोर पे हमने कॉइल को वाउंड करके रख लिया है, तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कभी भी 1 तो नहीं हो सकता है। हाँ 1 से कम होगा, 1 से कम में भी मैक्सिमम और मिनिमम आता है, तो हम ये देखने वाले हैं कि मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कब होगा और मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कब होगा। ये समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये केस है, मीन्स अलग अलग आयरन कोर पे हमने जब कॉइल को वाउंड किया, ये वाले केस में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड किस पे करता है, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल एंड द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ अ कॉइल। वो जो दो कॉइल्स है उन कॉइल का जो एक्सिस है उनके बीच में एंगल कितना है, पॉइंट आप देख सकते हो, फॉर टू कॉइल्स, राइट, फॉर टू कॉइल ऑन सेपरेट आयरन कोर, फॉर टू कॉइल्स ऑन सेपरेट आयरन कोर द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स, फर्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल एंड द सेकेंड इज एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ अ कॉइल, राइट। ये दो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, पॉइंट नंबर 10, आई होप आपको समझ में आ गया, ओके। तो हमने अभी यहाँ पे ये देखा कि अगर दो कॉइल्स को अलग अलग आयरन कोर पे अगर हमने निकाल के रखा हुआ है, तो वो दो अलग अलग आयरन कोर पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कैसे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड्स करता है डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल एंड दूसरा जो पैरामीटर दैट इज एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ अ कॉइल। चलो अब आगे कुछ दो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वो दो पॉइंट्स मैं आपको समझा दूं यहाँ पे। अगर समझो If two coils are placed parallel to each other, अगर हमने वो दो कॉइल को पैरेलली प्लेस करके रखा हुआ है, तो इस केस में हमको मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मिलेगा। दैट मींस इफ द टू कॉइल्स आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, राइट, उनका एक्सिस पैरेलल है, देन देयर इज अ मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। आप देख सकते हैं यहां पे वही लिखा है, व्हेन टू कॉइल्स आर प्लेस्ड पैरेलल एंड इन लाइन, लाइन में तो हो गई, राइट, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इज मैक्सिमम। अगर पैरेलल कॉइल्स है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम होता है। अगर कॉइल्स पैरेलल नहीं है मींस 90 डिग्री पे, राइट, अगर जो कॉइल्स हम जो दो कॉइल्स देख रहे हैं कॉइल 1 और कॉइल 2, अगर दो कॉइल्स परपेंडिकुलर मींस एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, देन द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इज मिनिमम। मिनिमम कब होगा समझा दिया मैंने, व्हेन द टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज मिनिमम एंड व्हेन द टू कॉइल्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज मैक्सिमम, राइट। एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं के वैल्यू के बारे में, राइट, के वैल्यू फॉर रेडियो कॉइल्स, रेडियो कॉइल में क्या क्या आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी आप देख, ये दो चीज मैंने बताया, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। के वैल्यू रेडियो कॉइल्स के लिए कितना होता है, 0.001 to 0.05, ये एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके। कोई भी रेडियो कॉइल के लिए जो के वैल्यू होता है मींस कपलिंग वैल्यू, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग वैल्यू, ये कितना होता है, 0.001 to 0.05, ओके। तो आई होप हमने जो भी 11 पॉइंट्स क्लियर किए हैं, मैंने पूरा A to Z कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको ये लेक्चर में समझा दिया है, ओके, थैंक यू।